मेरे डिवाइस में अभी यहाँ पर कॉलिंग चल रही है और 5G भी यहाँ पर वर्क कर रहा है और वो NRB लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा अच्छी तरह से। तो आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे कैसे आप इसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हो, आपके डिवाइस में नहीं चल रहा था, क्यों नहीं चल रहा था, वो भी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। बस करना कुछ नहीं, इस वीडियो को पूरा वॉच करना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को स्किप करके मत देखना। अगर स्किप करके देखोगे तो तभी आपका नहीं चल रहा, क्योंकि काफी सारे लोग क्या करते हैं स्किप करके वीडियो देखते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता, फिर कमेंट में बोलते हैं कि हमारे डिवाइस में नहीं चल रहा नहीं चल रहा। तो इसलिए छोटे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को पूरा वॉच करना। अब देखो गाइस, यहाँ पर मैंने पिछली जो वीडियो थी उसमें आपको बताया क्या था, सिंपल आपके डिवाइस में एक अपडेट आएगा जो कि मेरे डिवाइस में यहाँ पर अपडेट हुआ था, जैसे कि ये Xiaomi 12 Pro डिवाइस है, इसके अंदर यहाँ पर मैं जाऊंगा वॉट्स न्यू में, तो यहाँ पर देखो अदर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो वो NR सपोर्ट फॉर Jio, ये जो चीज है अभी ओनली फॉर Jio में वर्क कर रही, एयरटेल की सिम में वर्क नहीं करेगी, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ये उन लोगों के डिवाइस में ही वर्क करेगा जिनके में यहाँ पर ना वो NR लिखा हुआ आना चाहिए, देख सकते हो जैसे यहाँ पर वो लिखा हुआ आ रहा है ना, वो NR लिखा हुआ रहा, काफी सारे लोगों के जो फोन होंगे उनमें देखो कुछ ऐसा ऐसा लिखा हुआ आपको देखने मिलेगा LTE, अगर आपके डिवाइस में ये LTE लिखा हुआ आ रहा, वो LTE, तो ये आपके डिवाइस में वर्क नहीं करेगा, आपके डिवाइस में ये लिखा हुआ आना चाहिए, ये देख सकते हो यहाँ पर वो NR लिखा हुआ आना चाहिए तभी ये चीज वर्क करेगी, अदरवाइज वर्क नहीं करेगी। इस चीज को आप जरूर से ध्यान में रखना। यहाँ पर हमने 3 फोन और धरे हुए, क्यों धरे हुए अभी मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ। इसलिए अब देखो क्या था कि पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, यहाँ पर डेवलपर्स में जाके यहाँ पर हम चले गए थे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद अभी आप देख सकते हो ये चीज मैंने यहाँ पर ऑफ किया हुआ है फिर भी मेरे डिवाइस में यहाँ पर वर्क कर रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पर, ये सॉरी यहाँ पर चलो इनेबल, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये अभी भी मेरे डिवाइस में वर्क करेगा, क्यों, क्योंकि मेरे डिवाइस में एक और चीज जो वो इनेबल हो चुकी है, वो क्या है, वो यहाँ पर हम जाते हैं, ये देख सकते हो यहाँ पर ये वो NR वाला जो ऑप्शन है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो वो NR वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ये। तो अभी क्या है कि देखो यहाँ पर मैंने ना देखो सेटिंग जो डेवलपर ऑप्शन है वो भी बंद कर रखा है और ये भी बंद कर रखा है। अब यहाँ पर मैं सिंपल जैसे यहाँ पर कॉल लगाने जाऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉल लगाया और यहाँ पर आप देख सकते हो वो NR तुरंत ही LTE में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा हम वेट करते हैं ये ऑटोमेटिकली LTE में कन्वर्ट हो जाएगा, देख सकते हो जैसे कि मैंने बोला था ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर LTE में कन्वर्ट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ हम डेवलपर ऑप्शन से जाके उस चीज को इनेबल नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी था, काफी सारे लोग नहीं करना चाहते, ये जो ऑप्शन है ये आपके डिवाइस में नहीं देखने को मिलता होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये भी मेरा एक डिवाइस है जिसमें कि वो NR आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ भाई, क्योंकि प्रूफ दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसमें वो NR देखने को मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर जाने के सिम कार्ड में जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं तो इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं, इसको कैसे इनेबल करना यह भी मैं बताऊंगा, बट उससे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ अभी हमारा LTE आ गया था, जैसे मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसको इनेबल कर दिया, अब यहाँ पर जाकर मैं इस पर कॉल लगाऊंगा, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कॉल लगाया, अब हमारा यहाँ पर LTE नहीं आएगा, ओनली फॉर वो NR ही रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वो NR ही है, कोई भी LTE पे स्विच नहीं हो रहा है। और यहाँ पर मैं 5G भी चलाऊंगा, 5G में अच्छी तरीके से चलता है, क्योंकि मैंने प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये चीज आपको देखने मिल जाती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पर डेवलप ऑप्शन ना इनेबल करके, ये सेटिंग वाला ऑप्शन आपको कैसे इनेबल करना है। तो देखो यहाँ पर अभी हम इस फोन को साइड में रख देते हैं, अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इस फोन के अंदर ही, देखो यहाँ पर इसके यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम चले जाते हैं, ये देख सकते हो यहाँ पर वो LTE लिखा हुआ देखने मिलता है आपको, हम जाते हैं सेटिंग में, मे भी मैं कॉल लगाता हूँ, कॉल लगाने के बाद यहाँ पर हमारा क्या होगा कि हमारा ये LTE में कन्वर्ट हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर हम जाते हैं, देख सकते तुरंत ही LTE में कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि हमारे डिवाइस में वो NR इनेबल तो हो चुका है अपडेट के थ्रू, बट जो सेटिंग्स है वो इनेबल नहीं है। तो उसको कैसे इनेबल करना है, यहाँ पर आप जाओ सेटिंग में जाना, आपको *#*#8667 *#*#, ये आपको करना है, और देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है डिस्प्ले वो NR स्विच, यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, ये लिखा आना चाहिए तभी आपका ये चीज वर्क करेगी। अब यहाँ पर हम चलते हैं सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर जैसे सिम कार्ड में जाएंगे, यहाँ पर हम जाएंगे और देख सकते हैं अब आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ चुका है, पहले नहीं था, आपके सामने ही मैंने इसको इनेबल किया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, पहले हम चलते हैं डेवलपर ऑप्शन में, मे बी इस डिवाइस के अंदर इनेबल हो, तो यहाँ पर हम चलते हैं ये डेवलपर ऑप्शन इनेबल, इसमें हम जाते हैं और ये चीज यहाँ पर हमारी ऑफ होनी चाहिए, देख सकते हो यहाँ पर जाते ऑफ है जिसकी वजह से हमारा नहीं लग रहा था, आप यहाँ से भी इनेबल कर सकते हो या वो भी इनेबल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अब हम करते क्या है कि यहाँ पर जाके डेवलपर ऑप्शन का कम्प्लीटली यहाँ पर बंद ही कर देते कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, आप देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन जो यहाँ से गायब भी हो चुका है। सिंपल हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर सिम में जाएंगे, इसमें जाने के बाद इसको हम यहाँ से चालू कर देंगे, चालू करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही यहाँ पर मैं कॉल लगाऊंगा 198 पे, अब यहाँ पर हमारा जो वो NR है ये हटने वाला नहीं है, क्योंकि हमने जो इसको सेटिंग से इनेबल कर लिया। अब देख सकते हो वो NR ये LTE पे स्विच नहीं होगा, चाहे कितना देर भी रुको, कितनी भी बात करो, आपका इंटरनेट भी चलने वाला और आपका यहाँ पर कॉलिंग भी होने वाला, देख सकते हो नहीं हट रहा, पहले तुरंत ही हट गया था, तो ये चीज देखने को मिलती है। अब आप सोचोगे कि मैं ये चीज जाके इनेबल कर लेता हूँ आपका वर्क करेगा,
रहेगा, फिर भी आपका यहाँ पर हो सकता है वर्क ना करे। काफी सारे लोगों ने ये चीज ट्राई की थी सेटिंग्स से, डेवलप ऑप्शन में जाके हमने यहाँ पर डेवलप ऑप्शन में गए थे, इनेबल किया उन्होंने, फिर उसके बाद भी उनका नहीं वर्क करता। वो इसलिए वर्क नहीं कर रहा क्योंकि देखो क्या है कि आपको बताओगे, ये जो 5G है पहले कुछ ही स्टेट में आया था, यानी कि कुछ ही कंट्री बोलो स्टेट वगैरह में आया, जैसे कि दिल्ली में आया था, कोलकाता में आया था, मुंबई में आया था, उसी तरह से ये वो NRB है तो कुछ ही स्टेट में आ रखा है। जैसे भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे दिल्ली स्टेट में आ रखा है, तो आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, कस्टमर केयर को कॉल लगाना है, उनसे पूछना है कि मेरे डिवाइस में यहाँ पर वो NR सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि ये आना चाहिए तभी आपका वर्क करेगा। और एक चीज मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा लावा का डिवाइस देख सकते, ये लावा का नया लॉन्च फोन वाला डिवाइस है। अब इसकी सेटिंग में जाता हूँ, इसमें पहले से वो NR सपोर्टेड देखने मिल जाता है। यहाँ पर हम चलते हैं सिम कार्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पर वो NR का सपोर्ट देखने मिलता है। इसमें कोई भी मैंने सेटिंग्स और कुछ भी इनेबल नहीं किया, इसमें ऑटोमेटिकली से वो NR पहले से इनेबल है। और जब मैं कॉल लगाता हूँ इसके अंदर भी 5G चलता है। फिलहाल यहाँ पर LTE ही देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें जो सिम डाला वो काफी पुराना है, इसमें एक बार भी इस सिम में 5G यूज नहीं हुआ इस वजह से, और इसमें कोई भी रिचार्ज नहीं इस वजह से यहाँ पर LTE शो कर रहा है। वरना मैंने ये वाला इस वाला फोन का सिम लगा के इसके अंदर ट्राई किया था, अच्छी तरह से चल रहा था। बस आपको करना कुछ नहीं, आपको अपने कस्टमर केयर को कॉल करना जो कि 198 है, उनसे बोलना है कि मेरे डिवाइस में यहाँ पर वो NR सपोर्ट कर रहा है बट जब मैं कॉल लगाता हूँ वो हट जाता है, तो मेरी जो स्टेट है यहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर वो NR अवेलेबल हुआ है या फिर नहीं हुआ, तो वो आपको बता देंगे। अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो वो आपको बता देंगे, कुछ टाइम बाद आ जाएगा। अब आपको पता है दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ये काफी बड़े एरियाज है तो यहाँ पर सबसे पहले सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है। तो उसी तरह से मेरे डिवाइस के अंदर इनेबल है, इनेबल क्या मेरी स्टेट में इनेबल है, इस वजह से मेरे डिवाइस के अंदर भी चल रहा है और मेरे को यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती। देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी मेरा वो NR है, मैं यहाँ पर कॉल लगाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको कॉल लगा दिया, कॉल लगाने के बाद यहाँ पर मैं देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा वो NR यहाँ पर आपको देखने मिलता है। और यहाँ पर हम चलते हैं क्रोम में, तो एक सेकंड मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पर हम चलते हैं क्रोम में और यहाँ पर हम स्पीड टेस्ट सर्च कर लेते हैं। तो हाँ यहाँ पर हम स्पीड टेस्ट सर्च कर लेते हैं, देख सकते हैं ये स्पीड टेस्ट। अब यहाँ पर हम जाने के बाद यहाँ पर हम कर देते हैं स्पीड टेस्ट इस वाले में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड टेस्ट भी आपको काफी सही देखने को मिलता है, यहाँ पर देख सकते हो स्पीड टेस्ट भी मैंने आपका कर दिया। यहाँ पर 5G यहाँ पर मेरे चलते हुआ देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी कॉलिंग भी यहाँ पर चल रही है, यानी कि वो NR मेरा अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो इतनी लंबी वीडियो मैंने बनाई है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज कि आपका वो NR यहाँ पर शो करना चाहिए, उसके लिए आपके डिवाइस में अपडेट आना जरूरी है। अपडेट आ गया, वो NR सपोर्ट कर रहा है बट आपके स्टेट में अवेलेबल नहीं है, इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। ये 3-4 जो बातें इनको ध्यान में रखना कि हाँ भाई कि अगर ये रहेगा तभी आपका वर्क करेगा, अगर आपका यहाँ पर वो NR दिखाएगा तभी वर्क करेगा। जैसे कि ये वाला डिवाइस भी मेरा 5G है, इसके अंदर यहाँ पर LTE शो करता है, यहाँ पर वो NR नहीं सपोर्ट करता, दिखाता भी नहीं है। इसमें मैंने सेटिंग से भी यहाँ पर इनेबल कर दिया फिर भी इसके अंदर नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक दिखाएगा नहीं तब तक नहीं चलेगा। जैसे कि इसके अंदर वो NR दिखा रहा है, जैसे इस जियो का सिम डालता हूँ ये इनेबल का ऑप्शन आता है, इसको इनेबल करता हूँ बट फिर भी यहाँ पर नहीं चलता क्योंकि इसके अंदर LTE लिखा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आपका चेंज होना चाहिए तभी जाके आपका ये चीज यहाँ पर चलेगी, जब तक यहाँ पर नहीं आएगा तब तक नहीं चलेगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। तो ये 4 बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखना, फोन के अंदर जो LTE है वो लिखा हुआ आना चाहिए, दूसरा आपके स्टेट में अवेलेबल होना चाहिए, चौथा भाई तीसरा यानी कि आपके फोन में अपडेट आना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखोगे तभी ये चीज वर्क करेगी, अदरवाइज नहीं वर्क करेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना क्या नहीं। वीडियो वैसे पसंद है वीडियो को लाइक करना, फिर भी कुछ बोलना कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।